किससे झगड़ा कर रहे हो तुम? बहुत बदमाशी करते हो, देखो क्यों भोग रहे हो। क्या बोला तुमको? तुमको डांटा है क्या? कोई कुछ बोले है? चलो जाओ। कौन बोला? झगड़ा कर रहा है तुमसे? ओह अच्छा, चलो चलो, मेरे दांत पे दर्द है। बारिश हो रहा है और मुझे जाना भी है। अच्छे से रहना, ठीक है? बाय बाय तो कर दो। देखो हम जा रहे हैं। कोई भाव नहीं देती है बदमाश, पता नहीं क्या कर रही है। चलो हम जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं। खाने जाएंगे बोलेंगे, देखा? खाने जाने का बात बोला तो कैसे देख रही है? तुमको ना थप्पड़ लगाएंगे, सिर्फ खाने से मतलब। ये सब होने के बाद मुझे ऑफिस जाना था, तो रात को मैं ऑफिस गया। और सुबह को जब आ रहा था ना, तूफान की वजह से पूरा जो हालत था वो डेंजर था। बारिश हो रहा था और कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा था, बस वगैरह एंड मेट्रो बंद था। तो मुझे बाइक एक मिल गया, मैं उन्हें बाइक करके आया। तो हालत देखकर मैं डर गया था। पूरा एरिया जो हमारा था वो स्विमिंग पूल से कम नहीं था। पूरा बारिश का पानी जो है हर तरफ फैल गया था और अभी भी हो रहा था सारा दिन। ये देखो पूरा रोड वगैरह, गाड़ी वगैरह, ऊबर वगैरह सब बंद था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आने में, मैं भीग गया था। फिर जब घर आया तो थोड़ा सा टाइम मम्मी को दिया, मम्मी को डांस करवाया, मम्मी के साथ खेला। वो देखो कैसे अजीब सा ही कर रही है। उसके बाद आर्यन ने मुझे घोड़ा बना दिया, वो बहुत देर मेरे पीठ पे बैठकर खेला। उसके बाद हम लोग गए बर्थडे में, शुभम का पार्टी था तो वहाँ शुभम का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो दीदी ने खाना के लिए इनवाइट किया था। और वहाँ पर एक गेस्ट लाए थे, बिल्ली कैट लाए थे, और उसका कैट भी से मेरा दोस्ती हो गया प्यार से। मैंने एक चुटकी बजाया तो उसको मेरा हाथ पसंद आया शायद, वो आकर सूंघा एंड बस फ्रेंडशिप हो गया हमारा यहाँ भी। बट एक चीज़ है, ये बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि हम भी मम्मी को नहीं बांधते हैं। बट यहाँ पर बांधना पड़ा क्योंकि ये बहुत बदमाशी कर रही थी। इसको छोटे छोटे बच्चा था ना, आर्यन था, अमायरा था, सबको ऐसे ऐसे नोच रही थी, तो इसलिए इस वजह से इसको बांधा गया था। और बहुत सारा आदमी था तो डर भी रही थी, इसलिए इसको यहाँ रखा गया। बट जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था तो इसको वहाँ जाने का बहुत दिल था। देखो कैसे देख रही है सब वहाँ जब केक कटिंग हो रहा है। तो बट ठीक है, हमारे जाने के बाद इसको खोल दिया जाएगा। फिर हम जब आए तो देख रहे मम्मी पूरे नींद से लथपथ है और वो सोने के लिए रेडी है। हम लोग बाहर मम्मी को नहीं ले गए बिकॉज बारिश हो रहा था। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। टाटा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।